हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ फलक और आपका स्वागत है मेरे चैनल एफ से फूड पर। आज की हमारी रेसिपी उन व्यूवर्स को डेडिकेटेड है जिन्हें केक बनाना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। इस रेसिपी का नाम है इंस्टेंट रसमलाई पेस्ट्री। ये रसमलाई पेस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ चाहिए रसमलाई, वाइट ब्रेड और व्हिप क्रीम। और ये रेसिपी जब बनकर रेडी होती है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल किसी केक से कम नहीं लगती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 4 ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे और इनके जो एजेस है उसे ट्रिम कर लेंगे। अब यहाँ पे हर स्लाइसेस को हम जो रसमलाई का दूध होता है उसमें अच्छी तरह से सोक कर देंगे, जैसे हम शुगर सिरप यूज़ करते हैं केक को भिगाने के लिए, उसे सोक करने के लिए। और फिर उसके ऊपर हमारी जो फ्रॉस्टिंग है व्हिप क्रीम की, व्हिप क्रीम में मैंने थोड़ा सा रसमलाई का दूध डाल के व्हिप किया है, तो उसे रखते हुए हर लेयर को इसी तरह से स्टैक कर लेंगे। और यहाँ पे 4 ब्रेड की स्लाइसेस यूज़ होगी। अब मैंने जो लास्ट टॉप मोस्ट लेयर है उसमें भी रसमलाई का जो दूध होता है उसे डालकर सोक कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें व्हिप क्रीम से पूरा केक कवर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन नहीं है, बस इसे मैं अच्छी तरह से कवर कर दूँगी नोज़ल की मदद से फैला के, और फिर इसे स्मूथ कर लेंगे स्क्रेपर से। तो यहाँ पे मैंने टॉप मोस्ट जो इसका लेयर है इसे अच्छी तरह से क्रीम से कवर कर दिया है। अब जो इसकी सराउंडिंग है, एजेस हैं इसके, इस पर भी मैं क्रीम लगा दूँगी थोड़ी थोड़ी, और फिर हम इसे स्पैचुला से या फिर स्क्रेपर से स्मूथ कर लेंगे। इस तरह से इसके एजेस पे भी लगा देंगे ताकि जब हमें इसमें स्मूथ करना हो तो ये अच्छी तरह से इवनली स्मूथ हो और हमें एक अच्छी इसकी फ्रॉस्टिंग मिल सके। इस तरह से इसके चारों एजेस पे हम क्रीम लगा देंगे। ये रसमलाई केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और इसमें हमने ब्रेड सोक किया है रसमलाई के दूध में, रसमलाई की जो पतली रबड़ी होती है उसमें, इसके लिए इसके टेस्ट में फ़र्क भी नहीं पता चलता है। अब यहाँ पर हमारी इंस्टेंट पेस्ट्री फ्रॉस्टिंग होकर बिल्कुल रेडी है, इसे हमने स्मूथ भी कर लिया है अच्छी तरह से। और अगर कहीं पे अनइवन दिख रहा है तो स्क्रेपर से या फिर पैलेट नाइफ जो होती है उससे हम स्मूथ कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा फ्रॉस्टिंग नीचे प्लेट में लगी हुई है, एक्स्ट्रा क्रीम, उससे चाहे तो हम पोंछ सकते हैं टिश्यू पेपर की मदद से, ताकि इसका एक अच्छा फाइनल लुक आ सके। तो हमारी पेस्ट्री बिल्कुल रेडी है अब डेकोरेशन के लिए। अब यहाँ पर डेकोरेशन के लिए अपने रसमलाई केक की तरह ही पिस्ता इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे रोजेट बना लेंगे स्टार टिप से। अब जैसे कि इन 4 ब्रेड्स में हमें मिलेगी 2 पेस्ट्रीज़, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने सिर्फ 2 रोजेट्स बनाए हैं, ताकि जब मैं इसे कट करूँ तो मुझे प्रॉपरली एक पेस्ट्री पे एक रोजेट और एक रसमलाई दिख सके। तो यहाँ पे हमारा डेकोरेशन हो चुका है, अब यहाँ पे फाइनल टच देंगे थोड़ी सी ड्रिजलिंग से। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, चॉकलेट से यहाँ पे ड्रिजल कर लेंगे ताकि इसमें थोड़ा अच्छा और लुक दिख सके। और हमारी रसमलाई जो कि इंस्टेंटली बनी है बनकर बिल्कुल रेडी है, और ये बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, और हमें कमेंट्स में भी बताएं। ऐसी ही ईजी रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।